गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स आज मैं आपको आंसर दूंगा जो आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के तो यहां पे मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा जहां पे मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा आज का जो हमारा है, वो है, इसका आंसर नहीं पता होता पता होता है जर्नल आइडिया होता है कि भाई एक डॉट लगा देते हैं उसको पॉइंट बोलते हैं ऐसे ड्रॉ कर दिया उसको लाइन बोलते हैं तो उसका आंसर क्या करना है सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊंगा डेफिनेशन बताने के लिए आपको सिर्फ चार वर्ड याद करने की जरूरत है कितने चार वर्ड याद करने की जरूरत है कौन कौन सा डी नोट डी वन डी टू एंड डी थ्री क्या है डी डायमेंशन है क्या है डी डायमेंशन है जीरो मीन विच हैज नो डायमेंशन इज नोन एज पॉइंट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं विच हैज नो डायमेंशन इज नोन एज पॉइंट वट इज लाइन विच ओनली वन डायमेंशन डी वन विच ओनली वन डायमेंशन इज नोन एज लाइन लाइन फिर आपकी कर्व की टाइप में भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है व्हाट इज स्ट्रेट लाइन तो आप क्या आंसर देंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज स्ट्रेट

हमारा होगी और ब्रेथ होगा क्या होगा होगी और ब्रेथ होगी किसके अंदर प्लेन के अंदर सॉलिड क्या होता है Which has three dimensions. एक cube को को एक एक देख देख लो match box को देख लो क्या होता है? आपका एक solid होता है है आपका कह सकते थिकनेस आप इसको कह सकते हैं प्लेन के केस में आप थिकनेस के लिए डिस्कशन कर सकते हैं विच ओनली टू डायमेंशन प्लेन के बारे में हमने क्या कहा विच हैज ओनली टू डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ और नेगलिजिबल थिकनेस थिकनेस होती है लेकिन नेग्लिजिबल होती है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं अगर आप एग्जामिनर को बोलोगे ना तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपका इंटरव्यू के अंदर या वाइवा के अंदर आई होप ये आपको समझ में आया होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ईजिली आप इसका आंसर कर सकते हैं ओके माई डियर स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड डे यू टेक केयर